हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इन वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग यदि वीडियोस को लाइक करोगे तभी तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है क्रूक्ड हाउस, और ये मूवी एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, और इसीलिए वीडियो के अंत में ही सारी मिस्ट्री ओपन होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी के हाथों को दिखाया जाता है, जो लेडी एक इंजेक्शन को फिल करती है और वो लेडी उस इंजेक्शन को एक आदमी को लगा देती है। आगे हमें चार्ल्स हेवर्ड नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक थिएटर में था, और उस थिएटर में एरिस्टाइड लियोनाइट्स नाम के बहुत ही फेमस आदमी के जीवन के बारे में बताया जा रहा था। एरिस्टाइड लियोनाइट्स की अब मृत्यु हो चुकी थी, और बताया जा रहा था किस तरह से वो 23 साल की उम्र में खाली हाथ ग्रीस से यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उनका पहला रेस्टोरेंट कुछ खास चल नहीं पाया, और उनकी पहली पत्नी लेडी मर्सिया की युवा अवस्था में ही मौत हो गई। लेकिन लियोनाइट्स ने अपना जीवन अकेले नहीं बिताया, और उन्होंने एक यंग विधवा ब्रेंडा से शादी कर ली। आगे उस मूवी में हमें लियोनाइट्स की यंग पोती सोफिया को भी दिखाया जाता है। उस मूवी को देखकर चार्ल्स हेवर्ड अपने ऑफिस में जाता है। चार्ल्स एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था, और ऑफिस में जाते ही चार्ल्स की असिस्टेंट चार्ल्स को बताती है, आपका क्लाइंट इंतजार कर रहे। यह सुनकर चार्ल्स जल्दी से उस क्लाइंट से मिलने जाता है, पर उस क्लाइंट को देखकर चार्ल्स शॉक रह जाता है। यह क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि लियोनाइट्स की यंग पोती सोफिया थी। तब चार्ल्स सोफिया से कहता है, मुझे अफसोस हुआ मिस्टर लियोनाइट्स की डेथ के बारे में सुनकर। सोफिया कहती है, मुझे लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने मारा है। कहा जा रहा है उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, पर मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। जल्द ही बॉडी का पोस्टमार्टम होने वाला है, और मैं चाहती हूँ चार्ल्स तुम घर पर आओ और इस मैटर को देखो, इससे पहले कि पुलिस इन्वॉल्व हो, और इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। चार्ल्स कहता है, लेकिन मेरे लिए सही नहीं रहेगा। सोफिया कहती है, तुम इस बारे में इतना मत सोचो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि तुम एक छोटे डिप्लोमेट हो, और मैं तुम्हें अपने परिवार में आमंत्रित करने के लिए नहीं बुला रही हूँ। सचमुच मुझे लगता है कि वो हत्यारा अभी भी हमारे घर में है, और मुझे बहुत डर लग रहा है। तब चार्ल्स गुस्से में कहता है, अच्छा तो तुम डरी हुई हो, तो फिर तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तब सोफिया वहां से जाने लगती है, और जाते वक्त वो चार्ल्स के टेबल पर एक लिफाफा रख देती है, और सोफिया कहती है, तुम्हें एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। सोफिया के जाने के बाद चार्ल्स की असिस्टेंट चार्ल्स के पास आकर कहती है, मिस सोफिया लियोनाइट्स, आप इन्हें पहले से जानते थे? चार्ल्स कहता है, हाँ कायरो में मैं इनसे मिल चुका हूँ। तब चार्ल्स की असिस्टेंट कहती है, फिर तो आपको इनके केस को हाँ करना चाहिए। एक बार सोचिए, ये केस सॉल्व करके आपकी कितनी पब्लिसिटी होगी। इस समय आप इस जॉब को मना करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तब चार्ल्स को अपने असिस्टेंट की बात कुछ कुछ ठीक लगती है। आगे चार्ल्स पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर टेवर्नर से जाकर मिलता है, और चार्ल्स टेवर्नर को बताता है, मुझसे एरिस्टाइड लियोनाइट की फैमिली के एक मेंबर ने संपर्क किया है, इसलिए मैं उनके केस के बारे में सारी जानकारियां चाहता हूँ। तब टेवर्नर चार्ल्स को बताता है, जांच करने वाले डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला है कि मिस्टर लियोनाइट्स की मौत एस्रिन की वजह से हुई थी। तब चार्ल्स कहता है, और एस्रिन ग्लूकोमा बीमारी के लिए आई ड्रॉप के रूप में यूज किया जाता है, और अगर इसका इंजेक्शन सीधा रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाता है तो इससे हार्ट अटैक भी होता है। तब टावर्नर कहता है, मिस्टर लियोनाइट्स डायबिटीज के पेशेंट थे, हो सकता है उनका इंसुलिन एस्रिन से बदल गया हो, यह एक गलती हो सकती है, ये कोई बड़ा मामला नहीं, पर हाँ अगर हमने इसे बड़ा बनाने की कोशिश की तो परिवार के वकील हम पर भारी पड़ जाएंगे। जिसने भी ये केस तुम्हें दिया है वो कोई लेडी थी या कोई आदमी था? चार्ल्स कहता है, वो एक लेडी थी। तब टावर्नर कहता है, एरिस्टर लियोनाइट्स एक महान हस्ती थे, मिस्टर लियोनाइट्स के बहुत ही शक्तिशाली मित्र और बहुत ही शक्तिशाली शत्रु भी थे, क्योंकि वो एक अमीर आदमी के साथ साथ एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति भी थे। इसलिए इस केस से जुड़े हुए सारे कागजात तुम अपने ऑफिस में ले जाओ और इसके बारे में सोचना। मूवी के अगले सीन में चार्ल्स उस समय के बारे में सोचने लगता है जब वो सोफिया के साथ हुआ करता था। तभी चार्ल्स को चीफ इंस्पेक्टर टावर्नर का कॉल आता है, और चार्ल्स एरिस्टर लियोनाइट्स के घर जाने के लिए निकल जाता है उनकी मौत का सच जानने के लिए। चार्ल्स एरिस्टर लियोनाइट्स के घर पर पहुंचता है, और एरिस्टर लियोनाइट्स का घर काफी आलीशान था। चार्ल्स गाड़ी से उतरता है, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। चार्ल्स उस तरफ जाता है तो वो देखता है एक बूढ़ी लेडी आसमान की तरफ गन से फायर कर रही थी। उस लेडी का नाम एडिथ डी हेविलैंड था।
तब चार्ल्स उस लेडी से पूछता है, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? तब लेडी एडिथ कहती है, हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं बस पक्षियों पर निशाना लगा रही थी। मुझे लगता है कि ये गन मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त करती है। और क्या तुम सोफिया के डिटेक्टिव हो जिसे सोफिया ने बुलाया था? चार्ल्स कहता है, हाँ मैं वही हूँ। तब लेडी एडिथ कहती है, मैं लेडी एडिथ हैवीलैंड हूँ, मेरी सिस्टर ही मिस्टर एरिस्टर लियोनाइडिस की पहली पत्नी थी। तब चार्ल्स वहाँ पर जोसेफिन नाम की बच्ची को देखता है जो कि ट्री हाउस से नीचे उतर रही थी, और जोसेफिन एरिस्टर लियोनाइडिस की पोती थी। तब चार्ल्स देखता है कि जोसेफिन अपनी केयर टेकर से ज्यादा खुश नहीं थी। आगे वहाँ पर सोफिया आती है और चार्ल्स सोफिया से मिलता है। आगे सोफिया चार्ल्स को अपने घर में ले जाती है और सोफिया चार्ल्स को बताती है, आंटी एडिथ मेरी दादी की नर्स बनकर यहाँ पर आई थी। जब मेरी दादी की डेथ हो गई तो आंटी एडिथ ने सभी बच्चों का ख्याल रखना अपना कर्तव्य समझा। आंटी एडिथ नहीं चाहती थी कि बच्चों पर मेरे दादाजी की बुरी आदतों का असर पड़े। तभी चार्ल्स एरिस्टर लियोनाइट्स का फोटो देखता है और सोफिया चार्ल्स से कहती है, तुम मेरे दादाजी को देखकर सोच रहे होंगे कि कैसे एक अप्सरा जैसी दिखने वाली लेडी ने एक बौने विदेशी आदमी से शादी की जिसकी हरकतें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर यकीन करो उन दोनों की शादी काफी कामयाब रही थी। मैं उस दिन दादाजी के लिए नाश्ता लेकर गई थी और मैंने उन्हें उठाना चाहा, पर वो उस दिन नहीं उठे। सोफिया आगे चार्ल्स को अपने दादाजी का बाथरूम भी दिखाती है। तब चार्ल्स पूछता है, आखिर तुम्हारे डरने की वजह क्या है जो कि तुमने मुझे ऑफिस में बताई थी? तब सोफिया कहती है, चार्ल्स मेरी फैमिली बहुत ही अजीब है, तुम नहीं जानते कि यहाँ के लोग कितने निर्दयी है, यही मेरे डरने का सबसे बड़ा कारण है। आगे चार्ल्स अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और चार्ल्स उस बच्ची जोसेफिन से मिलता है। तब वो बच्ची चार्ल्स से बड़ी मासूमियत से पूछती है, क्या आप एक जासूस हो? तब चार्ल्स को जोसेफिन के हाथ में एक डायरी दिखाई देती है और चार्ल्स जोसेफिन से उस डायरी के बारे में पूछता है। तब जोसेफिन कहती है, मैं इस डायरी में वो सब लिखती हूँ जो मुझे पता है और मैं बहुत कुछ जानती भी हूँ। तब चार्ल्स कहता है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम क्या जानती हो? जोसेफिन कहती है, अभी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिटेक्टिव नॉवेल पढ़े हैं और मैं जानती हूँ कि एक अच्छा डिटेक्टिव केस सॉल्व करने में थोड़ा समय लेता है और इसके लिए वो सभी से क्वेश्चन करता है, और हत्यारा कभी भी वो नहीं होता जिस पर पहले शक जाए। चलो मैं जाती हूँ, मैग्डा मेरा वेट कर रही होगी। मैग्डा मेरी मॉम का नाम है और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उन्हें कोई मॉम कहे। आगे चार्ल्स मैग्डा से मिलता है जो कि शराब के नशे में धुत थी। तब चार्ल्स मैग्डा से कहता है, आप बहुत खूबसूरत हो। तब मैग्डा कहती है, हाँ पर अब नहीं, भला तीन बच्चों की माँ खूबसूरत कैसे लग सकती है? तब चार्ल्स पूछता है, तो आप एक अभिनेत्री हो? तब मैग्डा कहती है, तुम कभी थिएटर नहीं आए वरना तुम कभी मेरा काम देख पाते। तब मैग्डा चार्ल्स को बातों ही बातों में कह देती है कि वो ब्रेंडा को फांसी पर चढ़ते हुए देखना चाहती है। तब चार्ल्स कहता है, मुझे शायद अब आपके हस्बैंड से बात करना चाहिए। मैग्डा कहती है, हाँ वो लाइब्रेरी में है। चार्ल्स लाइब्रेरी में जाता है तब वहाँ सोफिया भी मौजूद थी और वो चार्ल्स को अपने पिता फिलिप से मिलवाती है। तब फिलिप कहता है, तुम्हारा नाम चार्ल्स हेवर्ड है, मैं भी एक हेवर्ड को जानता था जो कि स्कॉटलैंड यार्ड में पुलिस सहायक का काम किया करते थे। तब चार्ल्स कहता है, वो मेरे पिता ही थे। तब फिलिप कहता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जब तक कि उनकी मौत ना हो गई, और शायद उनके हत्यारे का भी कोई पता नहीं चल पाया था। तब चार्ल्स कहता है, मिस्टर फिलिप, मेरा यहाँ पर आना और पूछताछ करना आपको शायद सही नहीं लग रहा है, पर क्या आप चाहते हैं यहाँ पर आपसे पुलिस पूछताछ करने आए? फिर तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो आप एरिस्टर लियोनाइट के सबसे बड़े बेटे हैं, आप यहाँ पर कब से हैं? तब फिलिप कहता है, मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ, मैं कुछ गलत लोगों के हाथों पोकर गेम हार गया था, तब मेरे पिता ने मुझे यहीं पर रहने के लिए कहा। तब चार्ल्स कहता है, तो आप अपने पिता के बिजनेस में कोई भी रोल अदा नहीं करते? तब वहीं खड़ी सोफिया कहती है, अंकल रॉजर ग्रैंडपा की मेन कंपनी एसोसिएट कैटरिंग चलाते हैं। आगे चार्ल्स सोफिया के अंकल से मिलने के लिए उनके कमरे में जाता है और दरवाजा खुला देखकर वो सीधा अंदर चला जाता है। तभी चार्ल्स को सोफिया के आंटी क्लेमेंसी मिलती है जो कि एरिस्टर लियोनाइट्स के छोटे बेटे रॉजर की वाइफ होती है। तब क्लेमेंसी चार्ल्स को देखकर कहती है, तो आप ही वो डिटेक्टिव हो जिसे सोफिया ने बुलाया है? मैं आपको पहले बता दूं कि मैं लोरास में एक सीनियर रिसर्चर केमिस्ट हूँ और मैं प्लांट पॉइजन की विशेषज्ञ भी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भी जानते होंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो पॉइजन की वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर रॉजर आता है और वो चार्ल्स से मिलकर कहता है, आंटी एडिथ ने बताया था कि आप यहाँ पर आए हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि उस लेडी ने एक बूढ़े आदमी को 86 साल की उम्र में जहर देकर मार दिया। वो चाहती तो थोड़े दिन रुक सकती थी। रॉजर यहाँ पर ब्रेंडा की ओर इशारा कर रहा था।
तब क्लेमेंसी रोजर को चार्ल्स के सामने चुप रहने के लिए कहती है। आगे चार्ल्स रोजर से सवाल करता है, आप ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो एसोसिएट कैटरिंग के? तब रोजर कहता है, हाँ ये पिता की एक कंपनी है जो उन्होंने मुझे दी है। चार्ल्स कहता है, आपने आखिरी बार अपने पिता से कब बात की थी? तब रोजर गुस्सा होता है और वो कहता है, हमने हमारे पिता से हर समय बात की थी, तुम ऐसे सवाल कर हमसे क्या कहना चाहते हो? तब रोजर चार्ल्स पर गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तब क्लेमेंसी चार्ल्स के पास आती है और कहती है, रोजर गुस्सा हो गया है। तब रोजर गुस्से में बोल रहा था, मैं उस औरत को मार दूंगा, वो औरत पैसों की लालची है। तब क्लेमेंसी चार्ल्स से कहती है, ये सब गुस्से में बोल रहे, इन्होंने कभी मक्खी भी नहीं मारी, आप इनसे पूछताछ करने बाद में आइएगा। तब चार्ल्स रोजर और क्लेमेंसी के रूम से निकल जाता है और चार्ल्स बाहर उसी घर में काम करने वाली नैनी से मिलता है। तब नैनी चार्ल्स को कहती है, मुझे अब व्यस्त रहना बहुत पसंद है क्योंकि अब यहाँ के बच्चों को मेरी जरूरत नहीं रही। तब चार्ल्स एक आदमी को सोफिया से बात करते हुए देखता है। तब नैनी कहती है, वो मिस्टर ब्राउन है, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। आगे चार्ल्स मिस लियोनाइट्स यानी ब्रेंडा से मिलने उनके रूम में जाते हैं। तब ब्रेंडा चार्ल्स से कहती है, ये सभी लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, मैं अनुमान लगा सकती हूँ। क्या हुआ अगर मैं 37 साल की हूँ, मैंने मिस्टर एरिस्टर लियोनाइट से प्यार के लिए शादी की थी। तब चार्ल्स पूछता है, आप और मिस्टर लियोनाइट्स कैसे मिले थे? ब्रेंडा कहती है, मैं वेगस में एक डांसर थी, वहाँ पर मिस्टर लियोनाइट्स को कुछ काम था तो उन्होंने मुझे एक दिन रोते हुए देखा, मैं अपने लिए एक घर चाहती थी, तब उन्होंने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी, तब मैंने उन्हें बताया कि मैं कस्टमर्स के साथ नहीं रहना चाहती, तब उन्होंने मुझे कहा, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह खरीदूंगा। तब चार्ल्स पूछता है, तो आपके हस्बैंड ने लास वेगास में वो कसिनो खरीद लिया? ब्रेंडा कहती है, ये बात पब्लिक में नहीं है, पर वो उस कसिनो के साइलेंट पार्टनर थे। चार्ल्स कहता है, क्या मिस्टर लियोनाइट्स खुद ही अपने इंसुलिन के इंजेक्शन लिया करते थे? तब ब्रेंडा कहती है, हाँ, लेकिन उस रात उनके इंसुलिन का इंजेक्शन मैंने दिया था, इसलिए इस परिवार के लोगों को लगता है कि मैंने उन्हें मारा है, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी, उस बॉटल में इंसुलिन ही था। तभी चार्ल्स देखता है कि सोफिया बाहर खड़ी हुई थी और वो ब्रेंडा को और चार्ल्स को बातें करते हुए देख रही थी। चार्ल्स की नजर उस पर पड़ते ही सोफिया वहां से चली जाती है। आगे चार्ल्स मिस्टर लियोनाइट्स की पर्सनल लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तभी वहां पर लॉरेंस ब्राउन नाम का बच्चों का ट्यूशन टीचर आता है और वो चार्ल्स को वहां पर बैठा हुआ नहीं देख पाता है और वो लाइब्रेरी में एक सेल्फ को ओपन करके उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तब चार्ल्स ब्राउन से पूछता है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो? तब ब्राउन चार्ल्स से पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मिस्टर लियोनाइट्स की सीक्रेट जगह है और उन्होंने मुझे यहाँ का एक्सेस दिया था। तब चार्ल्स कहता है, मैं मिस्टर एरिस्टर लियोनाइट से कभी नहीं मिला हूँ, क्या आप बता सकते हैं वो किस प्रकार के इंसान थे? तब ब्राउन कहता है, वो एक बागी, सिर फिरे और एक जवान इंसान थे, उन्हें रॉक एंड रोल बहुत पसंद था। चार्ल्स कहता है, जिस रात मिस्टर एरिस्टर लियोनाइट्स की मृत्यु हुई थी, क्या उस रात आप उनके साथ थे? ब्राउन कहता है, हाँ उस रात मैं उनके साथ था और हम उनकी बुक पर काम करने वाले थे जो कि उनका गोपनीय प्रोजेक्ट था, पर उस रात हमें बहुत डिस्टर्ब किया गया। चार्ल्स कहता है, तो क्या उस समय मिस्टर एरिस्टर लियोनाइट से कोई मिलने आया था? ब्राउन कहता है, हाँ रोजर और मैगडा उस रात उनसे मिलने आए थे और वो दोनों ही अलग अलग समय पर आए थे। रोजर बिजनेस के मामलों में कहीं फंसा था इसलिए वो उनसे मिलने आया था और मैगडा चाहती थी कि मिस्टर लियोनाइट्स उनकी फिल्म पर अपना पैसा लगाए। तब चार्ल्स ब्राउन से कहता है, मैं वो किताब पढ़ना चाहता हूँ जो मिस्टर एरिस्टर लियोनाइट्स और आप मिलकर कंप्लीट कर रहे थे। तब ब्राउन कहता है, लेकिन वो किताब अब कहीं खो गई है। आगे चार्ल्स बैठकर घर के मेंबर्स के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहां पर जोसेफिन नाम की बच्ची आती है। चार्ल्स पूछता है, क्या तुम तुम्हारे दादा को पसंद करती थी? तब जोसेफिन कहती है, नहीं मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी, उन्होंने मेरा बैले डांस प्रैक्टिस भी बंद करवा दिया था। तब चार्ल्स कहता है, मुझे कुछ मिस्टर ब्राउन के बारे में बताओ। तब जोसेफिन कहती है, मिस्टर ब्राउन और ब्रेंडा का दोनों का चक्कर चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे को गंदे लेटर भी लिखते हैं। चार्ल्स कहता है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तब जोसेफिन कहती है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ और मैं उन लोगों की बातें भी सुनती हूँ। आगे चार्ल्स उसके ऑफिस में जाता है, तभी उसे उसके ऑफिस के बाहर सोफिया खड़ी हुई दिखाई देती है। आगे सोफिया और चार्ल्स दोनों क्लब में जाते हैं और वो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मूवी के अगले सीन में चार्ल्स एरिस्टर लियोनाइट्स के वकील के सामने बैठा हुआ था। तब लियोनाइट्स का वकील कहता है, आखिरी बार मिस्टर लियोनाइट्स ने अपनी वसीयत बनवाई थी और उन्होंने मेरे और अपने फैमिली मेंबर के सामने उस पर साइन भी किए थे और इस वसीयत नामे में लिखा हुआ था कि सारी संपत्ति सबको बराबर बांट दी जाएगी। सोफिया ने मुझसे कहा था कि मैं आपको इस वसीयत के बारे में सारी जानकारी दे दूं, पर मैंने आज जब सुबह ये वसीयत देखी तो इस पर मिस्टर एरिस्टर लियोनाइट्स के साइन थे ही नहीं, यानी मिस्टर एरिस्टर लियोनाइट्स ने इस पर साइन किए ही नहीं थे।
उन्होंने बस साइन करने का नाटक किया था और इस कारण अब कानूनी रूप से उनकी सारी संपत्ति की मालिक उनकी पत्नी होगी, चार्ल्स कहता है, यानी ब्रेंडा। तब एरिस्टर का वकील कहता है, हाँ वही। आगे चार्ल्स एरिस्टर लियोनाइट्स की कंपनी एसोसिएट कैटरीन में जाता है और वहां पर चार्ल्स सोफिया के अंकल रोजर से मिलता है और चार्ल्स रोजर से कहता है, मुझे आपके परिवार के वसीयत नामे के बारे में पता है और मुझे ये भी पता है जिस रात उनकी मृत्यु हुई थी उस रात आप उनसे मदद मांगने गए थे। क्या हुआ होगा उस रात जब आप उनसे बिजनेस के लिए मदद मांगने गए होंगे और उन्होंने मना कर दिया होगा? तब रोजर कहता है, उन्होंने उस रात मुझे मना नहीं किया था बल्कि उन्होंने मुझे 2 मिलियन पाउंड का चेक काट कर दे दिया था। चार्ल्स उस चेक को देखकर कहता है, इतने सारे पैसों से तो कई लोगों की प्रॉब्लम हल हो सकती है। रोजर कहता है, पर मेरी नहीं। मैंने इस कंपनी को कई बार घाटा पहुंचाया पर उन्होंने हर बार मुझे माफ कर दिया। उस रात भी क्लेमेंसी मेरी वाइफ ने मुझसे कहा था कि इस चेक को फाड़ दो। वो चाहती थी कि मैं अपने पिता से और पैसा नहीं लूं और हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाए। और अगली सुबह मुझे पता चला कि मेरे पिता की डेथ हो चुकी है। ये कहते हुए रोजर वो चेक फाड़ देता है। आगे ब्रेंडा अपने रूम में बैठकर नेल पेंट लगा रही थी, तभी जोसेफिन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ब्रेंडा को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर नैनी आती है और वो जोसेफिन को ऐसा करने से मना करती है। आगे चार्ल्स वापस एरिस्टर लियोनाइट्स के घर पर जाता है, तब वो वहां पर सोफिया को घुड़सवारी करते हुए देखता है। तब चार्ल्स सोफिया से जाकर कहता है, ब्रेंडा ने कबूल किया है कि उसने वो जहरीला इंजेक्शन तुम्हारे दादाजी को लगाया था, पर आई ड्रॉप और इंसुलिन की दवाई की अदला बदली कोई और भी कर सकता है। तब सोफिया कहती है, हाँ पर ऐसा ब्रेंडा भी कर सकती है। चार्ल्स कहता है, भला मुझे बताओ ब्रेंडा को ये बात कैसे पता चलेगी कि इंसुलिन की बोतल में आई ड्रॉप का लिक्विड डालने से और उसका इंजेक्शन लगाने से इंसान की मौत भी हो सकती है? तब सोफिया कहती है, हाँ पर ये बात मेरे दादाजी ने ही अपने 86वें बर्थडे पर हम सभी को बताई थी कि हम उन्हें अपने से कैसे दूर कर सकते हैं। वो उनके मजाक करने का अंदाज था, पर देखो अब क्या हुआ। तब चार्ल्स सोफिया से ब्राउन और ब्रेंडा के बारे में पूछता है। तब सोफिया कहती है, हाँ उनका अफेयर चल रहा है। चार्ल्स कहता है, तो क्या ये बात तुम्हारे दादाजी को पता थी? सोफिया कहती है, शायद उन्हें ये बात पता थी, उन्हें इससे कोई भी आपत्ति भी नहीं थी और ये संभावना ज्यादा है कि उन्होंने ब्राउन को ना केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए बल्कि ब्रेंडा को खुश करने के लिए भी चुना था। आगे चार्ल्स सोफिया के भाई यूस्टेस के पास जाता है और चार्ल्स उससे मिस्टर ब्राउन के बारे में पूछता है। तब यूस्टेस कहता है, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं कि ब्राउन मेरी दादी को पसंद करता है, खैर ये मजाक था, एक्चुअली हम सभी उसे पसंद करते हैं। तब चार्ल्स सोफिया की आंटी क्लेमेंसी के पास जाकर क्लेमेंसी से पूछता है, उस रात आपके पति ने जो चेक आपको दिखाया था तो आपने आपके पति को वो चेक फाड़ने के लिए कहा था, पर आपके पति ने ऐसा नहीं किया। तुम्हें डर था कि जब तक तुम्हारे ससुर मारे नहीं जाते तब तक तुमको आजादी नहीं मिल पाएगी। तब क्लेमेंसी कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अब हम जो चाहे वो कर सकते है। और ऐसा कहकर क्लेमेंसी चार्ल्स को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। चार्ल्स बाहर निकलता है तो सोफिया को कुछ पेपर जलाते हुए देख लेता है। चार्ल्स उन पेपर को निकालने की कोशिश करता है पर उन पेपर्स में आग लग चुकी थी। तब सोफिया चार्ल्स से कहती है, इन पेपर्स पर मेरे दादाजी की कुछ यादें लिखी थी, जो इन पेपर्स में लिखा था वो सब लोगों को जानना नहीं चाहिए कि किस तरह से मेरे दादाजी ने एक शहर को बर्बाद कर दिया था और उसके बाद उन्होंने उस शहर को फिर से बनाया। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के लिए ये जानना जरूरी है। ऐसा कहकर सोफिया वहां से चली जाती है। आगे चार्ल्स अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है, तब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब सोफिया चार्ल्स को वहीं पर डिनर करने के लिए और वहीं पर रुकने के लिए कहती है। आगे डिनर टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। तब लेडी डिथ चार्ल्स से पूछती है, चार्ल्स तो बताओ एक हत्यारे में क्या गुण हो सकते हैं? तब चार्ल्स कहता है, एक हत्यारा निर्दयी होता है, उसमें दया की कमी होती है और उसमें बहुत घमंड भी होता है, वो विकृत मानसिकता का हो सकता है। एक किलर को ऐसा लगता है कि वो कानून से ऊपर है। तब लेडी एडिथ कहती है, ये गुण तो यहाँ बैठे हम सभी लोगों में मौजूद है। तब फिलिप ब्रेंडा से कहता है, ब्रेंडा तुम्हें डैड की मौत का दुख नहीं था पर तुम अंतिम संस्कार में आकर दिखावा तो कर सकती थी। ब्रेंडा कहती है, मैं लियोनाइट्स की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए मैं वहां पर नहीं आई। तब रोजर कहता है, ब्रेंडा तुम एक्सेप्ट कर लो कि ब्राउन और तुमने ही मिलकर ये सब किया है। तब सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, वो एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। तब ब्रेंडा कहती है, पॉइंट ये है कि एरिस्टर लियोनाइट सबसे ज्यादा खुश मुझसे ही थे इसलिए उन्होंने वसीयत पर साइन नहीं की और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। तब वही बेटा सोफिया का भाई ह्यूस्टन कहता है, सोफिया और चार्ल्स पहले कायरो में मिल चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भी साथ में मिले हो और इनमें से ही एक किलर हो। डिनर के बाद ब्रेंडा चार्ल्स का इंतजार करती है और वो चार्ल्स से मिलकर कहती है, देखा तुमने इन लोगों को, इन लोगों ने तुम्हें भी किलर बना दिया।
ये लोग शैतान की तरह है, मुझे डर है कि कल प्रेस वाले आएंगे तो मेरा क्या होगा। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो चार्ल्स को ब्रेंडा का हाथ पकड़े हुए देख लेती है और सोफिया वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तब चार्ल्स सोफिया के पीछे जाकर कहता है वो मुझसे मदद मांग रही थी। तब सोफिया कहती है तुम भी और मर्दों की तरह उसके बेड पर चले जाओ, और ऐसा कहकर सोफिया अपने रूम में चली जाती है। तभी चार्ल्स को वहाँ से जोसेफिन निकलती हुई दिखाई देती है। तब चार्ल्स को जोसेफिन की हरकतों पर कुछ शक होता है और चार्ल्स जोसेफिन के ट्री हाउस में जाता है और चार्ल्स वहाँ लगी दूरबीन से देखता है। तब चार्ल्स की नजर ब्रेंडा और ब्राउन पर पड़ती है, वो दोनों ही डांस कर रहे थे और साथ में एंजॉय कर रहे थे। अगले सुबह चार्ल्स की कार को सुधारने वहां पर मैकेनिक आया हुआ था और वो कार देखकर चार्ल्स को कहता है इस कार का तो स्टार्टर ही गायब है। तब चार्ल्स उस मैकेनिक को स्टार्टर केबल और कुछ पैसे देकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। यानी चार्ल्स ने अपनी कार खुद ही जानबूझकर खराब की थी ताकि वो उस घर में रात में रुक सके। तभी वहां पर सोफिया आती है और वो चार्ल्स से कहती है तुम्हारे लिए स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर टावर्नर का कॉल आया है। आगे चार्ल्स ट्रेवर्नर के ऑफिस में जाता है। तब ट्रेवर्नर के सामने एक आदमी बैठा हुआ था। तब ट्रेवर्नर उस आदमी से पूछता है तुम एरिस्टर लियोनाइट्स को कैसे जानते हो। तब वो आदमी कहता है जब मैं पहली बार लंदन आया था तब उन्होंने मेरी मदद की थी, हम दोनों ही ग्रीक थे इसलिए अपनी मौत से पहले उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये लिफाफा उनके वकील को दे दूं। तब वहीं बैठा एरिस्टर लियोनाइट्स का वकील कहता है ये लिफाफा अब तक ओपन नहीं किया गया है और इस लिफाफे में एरिस्टर लियोनाइट्स की एक और वसीयत है और उस वसीयत में उन्होंने अपनी थोड़ी संपत्ति उस विधवा लेडी को दी है और बाकी सारी संपत्ति अपनी पोती सोफिया को दी है। तभी वहां पर गार्ड आता है और वो चार्ल्स को बताता है लियोनाइट्स हाउस में उस छोटी बच्ची को मारने की कोशिश की गई है। तब चार्ल्स वहां पहुंचता है तो वो देखता है जिस रस्सी की सीढ़ियों के जरिए जोसेफिन अपने ट्री हाउस में चढ़ा करती थी वो रस्सी की सीढ़ियां टूट गई थी जिसके कारण जोसेफिन नीचे गिरकर बेहोश हो गई। तब चार्ल्स जोसेफिन के रूम में जाता है तो वहां पर लेडी एडिथ जोसेफिन की डायरी पढ़ रही थी और चार्ल्स के आते ही लेडी एडिथ उस डायरी को छुपा देती है। तब चार्ल्स लेडी एडिथ से कहता है आपको पता होना चाहिए कि ये क्राइम सीन है। तब लेडी एडिथ कहती है पर ये मेरा घर भी है, और ऐसा कहकर लेडी एडिथ उस कमरे से चली जाती है। तब चार्ल्स जोसेफिन के कमरे में रखे सामान को देखता है और आगे चार्ल्स जोसेफिन के पर्सनल स्टडी रूम में भी जाता है। तब चार्ल्स को टेबल के ड्रॉअर में एक तार काटने वाला औजार भी मिलता है। आगे घर के सभी सदस्य एक साथ मौजूद थे। तब एरिस्टर लियोनाइट्स का वकील भी वहां बैठा था और वो सोफिया से कहता है सोफिया अब तुम यहाँ पर सबसे अमीर हो, मेरी मानो तो जल्द से जल्द अपनी वसीयत बनवा लो, और ऐसा कहकर वो वकील वहां से चला जाता है। तब वहां बैठे सभी लोग वापस से आपस में बहस करने लगते हैं। तब लेडी एडिथ फिलिप से जोसेफिन के बारे में पूछती है कि वो अब कैसी है। तब फिलिप कहता है वो अब ठीक है लेकिन कुछ समय उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आगे सोफिया अकेली होती है तब वहां पर चार्ल्स भी आता है। तब चार्ल्स कहता है क्या तुम इस वसीयत के बारे में जानती थी। सोफिया कहती है हाँ मेरे दादाजी ने मुझे इसके बारे में बताया था, जब मैं कायरो में थी तब यहाँ के हालात बिगड़े हुए थे, तब दादाजी ने मुझे इंग्लैंड आने को कहा था ताकि वो अपने साम्राज्य को हैंडल करना मुझे सिखा सके। चार्ल्स कहता है तो इसलिए तुमने मुझे कायरो में छोड़ दिया था। सोफिया कहती है और इसलिए भी क्योंकि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। तब चार्ल्स कहता है पर मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा था, फिर तुमने इस वसीयत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तब सोफिया कहती है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा ये दादाजी की कोई नई चाल होगी क्योंकि उन्हें हम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में मजा आता था। आगे सीनियर ऑफिसर टावर्नर और चार्ल्स दोनों आपस में बातें कर रहे थे और चार्ल्स टावर्नर को वो तार काटने का हथियार बताता है जो कि उसे जोसेफिन के स्टडी रूम से मिला था। तब टावर्नर कहता है हो सकता है इस हथियार का उपयोग मिस्टर ब्राउन गार्डन में पेड़ पौधों की कटाई के लिए करते हो और उन्होंने ट्री हाउस की रस्सी को काट कर इसे जोसेफिन के कमरे में प्लान कर दिया हो। मुझे लगता है इन सब में ब्रेंडा और ब्राउन ही शामिल है, मुझे ब्रेंडा और ब्राउन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके दो। तब चार्ल्स टावर्नर को वहीं बने टावर की छत पर ले जाने लगता है जहां पर अक्सर चार्ल्स ने जोसेफिन को जाते हुए देखा था और चार्ल्स को शक था कि जोसेफिन ने वहां पर कुछ छिपा रखा है, जहां पर चार्ल्स को एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में कुछ लेटर थे। इन लेटर्स में ब्राउन और ब्रेंडा के बीच की बातें लिखी हुई थी जिसमें एक लेटर में लिखा हुआ था मेरी जान अगर मैं तुम्हें कल रात के बारे में बताऊंगी तो मेरा दिल फट जाएगा, बस अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी हम दोनों साथ में रहने लगेंगे, और उन लेटर में जल्दी एरिस्टर लियोनाइट्स की मौत के बारे में भी लिखा हुआ था। टावर्नर समझ जाता है कि ब्रेंडा ही एरिस्टर लियोनाइट्स की मौत के पीछे है। आगे टावर्नर ब्रेंडा से मिलता है और उसे वो लेटर दिखाता है।
तब ब्रेंडा कहती है, मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। तब वहाँ पुलिस आती है और वो ब्रेंडा को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगती है। और ब्रेंडा बार बार यही बोल रही थी, मैंने वो लेटर नहीं लिखा है। तब घर के सभी लोग ब्रेंडा को इस तरह देखकर मन ही मन में खुश हो रहे थे। पुलिस वैन में ब्राउन पहले से ही मौजूद होता है और वो ब्रेंडा से कहता है, हमने कोई मौका नहीं छोड़ा। तब घर में सभी लोग ब्रेंडा पर गुस्सा कर रहे थे। लेडी एडिथ भी वहीं खड़ी थी और वो चाल से कहती है, ब्रेंडा के लिए अच्छा सा वकील हायर करो, मैं उसकी फीस दूंगी। मूवी के अगले सीन में चार्ल्स की सेक्रेटरी चार्ल्स को केस सॉल्व करने की बधाई देती है, पर चार्ल्स को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोसेफिन वापस अपने घर में आ चुकी है। उसका सब वेलकम करते है और जोसेफिन सोफिया से कहती है, फिर ब्रेंडा और ब्राउन का क्या रिएक्शन रहा? तब सोफिया कहती है, हमें टावर पर उनके लव लेटर मिले थे। जोसेफिन ये सुनकर खुश होती है और वो कहती है, मुझे ये जाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे जोसेफिन को उसकी नोटबुक उसके कमरे में नहीं मिलती, जिसके कारण वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ नैनी आती है और जोसेफिन को लगता है कि नैनी ने ही उसकी नोटबुक को छुपाया है। मूवी के अगले सीन में चार्ल्स अभी भी एरिस्टर लियोनाइट्स के केस को लेकर परेशान था। तभी चार्ल्स को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जोसेफिन की केयर टेकर नैनी की मृत्यु हो गई है और केयर टेकर नैनी की डेथ हॉट चॉकलेट पीने की वजह से हुई थी। तब वहाँ पर चार्ल्स भी आता है और चार्ल्स जोसेफिन से जाकर मिलता है। तब जोसेफिन बिना डरे चार्ल्स से एक्साइटेड होकर कहती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नैनी की डेथ भी दादा की डेथ की तरह हुई। तब चार्ल्स जोसेफिन को फैमिली मेंबर से अलग ले जाकर पूछता है, जोसेफिन तुम असली हत्यारे को जानती हो और ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे बताओ, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि दो लोगों की असली में डेथ हो चुकी है। तभी वहाँ लेडी एडिथ आती है। तब लेडी एडिथ चार्ल्स से कहती है, आपको ऑफिसर टावर्नर बुला रहे, उन्हें शायद आपसे कोई जरूरी काम होगा, जोसेफिन को मैं संभाल लूंगी। चार्ल्स के जाने के बाद एडिथ जोसेफिन से कहती है, चलो हम बाहर आइसक्रीम खा के आते हैं। एडिथ जोसेफिन को कार में बैठाकर घर से बाहर जाने लगती है। तब चार्ल्स ऑफिसर टावर्नर के पास जाता है और डॉक्टर टावर्नर को बताते हैं ये डेथ साइनाइड जहर के कारण हुई है। तब टावर्नर कहता है, लेकिन कोई घर में साइनाइड क्यों रखेगा? तब चार्ल्स को लेडी एडिथ की एक बात याद आती है कि लेडी एडिथ गन से गार्डन में छुपे छछुंदर को मारा करती थी। तब चार्ल्स कहता है, साइनाइड का उपयोग छछुंदर को मारने के लिए किया जाता होगा। तब चार्ल्स घर के गैराज एरिया में जाकर वहाँ पर छानबीन करने लगता है। तब वहाँ पर उसे साइनाइड की बॉटल मिल जाती है और चार्ल्स को वहाँ पर जोसेफिन की डायरी भी मिल जाती है। तभी वहाँ सोफिया आती है और वो चार्ल्स को देखकर सब कुछ समझ जाती है और सोफिया चार्ल्स से कहती है, लेडी एडिथ जोसेफिन को लेकर कहीं निकल गई है। तब चार्ल्स भी दौड़कर अपनी कार में उनका पीछा करने जाने लगता है। तब चार्ल्स को उसकी कार में एक लेटर मिलता है जो कि लेडी एडिथ ने चार्ल्स के लिए छोड़ा था। तब सोफिया और चार्ल्स भी लेडी एडिथ की गाड़ी का पीछा करने चले जाते हैं। तब सोफिया चार्ल्स को उस लेटर में लिखा हुआ पढ़कर सुनाती है, जिसमें लिखा हुआ था, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने ही एरिस्टर लियोनाइट्स का कत्ल किया है। तब सोफिया कहती है, अब क्या हुआ, लेकिन लेडी एडिथ ने दादाजी का कत्ल क्यों किया? तब चार्ल्स कहता है, मुझे नहीं लगता ये कत्ल लेडी एडिथ ने किया था। ये लो जोसेफिन की डायरी और उसे जोर से पढ़ो। तब सोफिया उस डायरी में रोते हुए लिखती है, आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तो आज क्यों ना ग्रैंडपा का कत्ल किया जाए। और इसके लिए मेरे पास एक अच्छा कारण था, मैंने दादाजी को चेतावनी दी थी कि अगर वो मेरे डांस में रुकावट डालेंगे तो अंजाम बुरा होगा। वो सब पर कंट्रोल कर सकते हैं पर मुझ पर नहीं, मैं अलग हूँ। दादाजी ने हमेशा सोफिया को सुंदर और शालीन कहा, जिसके कारण उन्होंने मुझे उससे कम आका, लेकिन अब उन्हें समझ आ जाएगा। आखिरकार मुझे ब्रेंडा की लिखावट समझ में आ गई है। मैंने ही अपने ट्री हाउस पर चढ़कर वो रस्सी काटी थी, जिसके कारण मैंने खुद को घायल कर लिया। मुझे वो नैनी बिल्कुल पसंद नहीं, वो बेवकूफ है और अगली शिकार वही होगी। चार्ल्स कहता है, एडिथ को जोसेफिन की सच्चाई पता चल चुकी है और इसलिए उसने हमारे सामने खुद को दोषी ठहराया। और वो इसलिए भी नहीं चाहती थी कि ब्रेंडा और ब्राउन को सजा हो, क्योंकि वो दोनों बेकसूर थे। चार्ल्स और सोफिया गाड़ी से लेडी एडिथ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और लेडी एडिथ उस गाड़ी को एक खदान की तरफ ले जाती है। तब जोसेफिन समझ जाती है और वो लेडी एडिथ को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, पर लेडी एडिथ उस गाड़ी को खाई से नीचे कुदा देती है और लेडी एडिथ और जोसेफिन दोनों ही मार जाते हैं। ये सब देखकर सोफिया जोर जोर से रोने लगती है और चार्ल्स सोफिया को संभालता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।